मुझे भी लगता है किसी नए बैच लॉन्च बहुत डर लगता है मुझे भी कि ये टीचर जिस पे मुझे इतना ट्रस्ट है क्या मेरे बच्चों को इसमें मज़ा आएगा कि नहीं। कंटेंट वाइज तो बहुत अच्छे हैं ये, क्या इसमें मज़ा आएगा कि नहीं बच्चों को। सो डर का यार सोल्यूशन यही है कि जो आप डिसीजंस ले रहे हो उनको कई बार चेक करो, साल भर पढ़ाई जो कर रहे हो उसको चेक करो, अभी आप क्या कर रहे हो, दिन भर डर रहे हो कि डिसीजंस पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। मुझे वो कभी फील होता है कि ये जो पर्टिकुलर टीचर हैं ये पीडब्ल्यू के लिए फिट नहीं है, मुझे डर लगता है, सो आई डोंट टेक देम इन पीडब्ल्यू। तो इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, भले ही वो कितने भी भारी भरकम फैकल्टी हो, कितनी बड़ी उनकी एक्सपीरियंस हो, कितनी बड़ी उनकी रैंकिंग हो, मुझे लगता है ये हमारे बच्चों को नहीं सेटिस्फाई करेंगे, आई डोंट टेक देम। सो जब डर लगे तो गलत डिसीजन लेना बंद करो, दिन भर डरना बंद करो, इस जगह एग्जीक्यूशन पे बिलीव करो, तभी तो बोलते हैं डर के आगे जीत है। तो सिंपल सी लाइन यहीं से तो आई है, डर के आगे जीत है, डर के अंदर जीत नहीं है, तो वहाँ से निकलना ही होगा। मुझे भी डर लगता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन इमोशंस हैं, कहीं जा नहीं सकते। अगर कोई इंसान आपसे आके यूट्यूब पे बोल रहा है, कोई इंसान का आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, डर को मैंने मार दिया, नहीं बच्चा, ये ह्यूमन इमोशंस हैं। डर, जेलसी, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे ह्यूमन इमोशंस हैं, जो इंसान इससे ओवरकम कर लेगा फिर तो साधु संत बन जाएगा, सबके अंदर होते हैं।